नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई में अलग अलग जगहों पर पड़े हुए आईटी के रेट के बारे में। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। कोविड काल में करोड़ों के घोटाले हुए हैं। एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ जो है सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के अधिकारी, सभी लोग जो है घोटाला करने में लगे हुए थे, यानी अपने जेब भरने में लगे हुए थे। क्या है पूरा मामला, इसी पर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। इसी पर मुंबई, पुणे और उत्तर प्रदेश में आज एक साथ आईटी के छापे पड़े हैं, जिसमें करोड़ों के जो है घोटाले होने का अंदेशा है। और इस पर जो भाजपा के पूर्व सांसद यानी किरीट सुमैया, जो लगातार जो है शिवसेना के पीछे पड़े हुए हैं, उबाटा के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मामला पूरा क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में रोमिल छेड़ा नामक एक कॉन्ट्रैक्टर को 17 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उनको रोमिल छेड़ा को 17 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें एक जो मुंबई का फेमस रानी बाग है, जहाँ जू बोलते हैं जिसको, वहाँ पर पेंगुइन रखा गया है। पेंगुइन जो विदेशी से लाया हुआ है, उसको अलग से उसको ट्रीटमेंट होती है, उसका जो है सर्विस अलग होता है, उसका ठेका उनको दिया गया है। इसके अलावा कोविड काल में उनको ऑक्सीजन का जो है प्लांट बनाने के लिए ठेका दिया गया है। अब रोमिल छेड़ा के ऊपर आरोप है कि उनके वो ब्लैकलिस्टेड हैं। उन्हें राजस्थान जयपुर हॉस्पिटल, जो है राजस्थान की जयपुर हॉस्पिटल है, उसने भी जो है उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। इसके बाद भी जो है 138 करोड़, यानी इन पर आरोप है कि 138 करोड़ का जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इनको ठेका दिया गया था बीएमसी की तरफ से। और जांच में ऐसा पाया गया है, क्योंकि पिछले दिनों पहले ईडी ने इसकी जांच की थी, जांच में पाया गया है कि इन्होंने सिर्फ 38 करोड़ रुपये खर्च किए और बिल बनाया है 138 करोड़ का। क्या कहते हैं इस पर किरीट सुमैया, पहले इस पर थोड़ा सुन लेते हैं। हालांकि उन्होंने मराठी में उनकी वीडियो आई है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि किरीट सुमैया ने किस तरह का आरोप लगाया है, खासकर उबाटा यानी शिवसेना के ऊपर। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे तेने मित्र रोमिन छेड़ा, त्यांचा मित्र परिवार आता अनेक कंपन्यांवर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश येथे आयकर विभागाने छापे घातले आहेत। गेल्या काही वर्षात 53 प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्ट राणीबागेतलं पेंग्विन पातून कोविड मध्ये ऑक्सिजन सप्लाय करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट ईडी मुंबई पोलीस तर चौकशी करत आहे। आयकर विभागाचे छापे, हिसाब तो देना पड़ेगा। तो देखा किड्स, मुझे क्या कर रहे हैं, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये तो छोटा सा यानी 138 करोड़ का जो है ऑक्सीजन प्लांट का घोटाला है, लेकिन कोविड काल में जिस तरह से अलग अलग चीज़ें सामने आई हैं, उसमें केंद्र सरकार उस समय जो है मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था कि कोविड में जो लोग मर रहे थे, जो अनाथ हुए परिवार थे, उनकी मदद के लिए और बाकी चीज़ों के लिए राज्य सरकारों को कुल 20 लाख करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया था कि हम जो ये कोविड घोटाले, कोविड में जो है कोविड काल में जो लोग जो खर्चे हुए हैं राज्य सरकार के, उनको देने के लिए कहा गया था। उसमें खासकर कोविड हॉस्पिटल बनाने का भी था, कोविड में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति उस समय नहीं हो पा रही थी उसके लिए था। तो इस तरह के जो सामने आए हैं मामले, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि सबको क्या लग रहा था कि कोविड काल है, चलो चलने दो, कौन पूछने वाला है बाद में, कौन जिएगा कौन मरेगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हिसाब तो देना ही पड़ेगा। पैसे अगर आए हैं केंद्र से या कहीं से आए हैं, तो उसके हिसाब तो बनता ही है। सवाल ये उठता है कि ये तो कोविड काल के घोटाले हैं, ऐसे न जाने सालों से बीएमसी के थ्रू कितने घोटाले सामने आएंगे। अगर इसका ऑडिट किया जाए अच्छी तरह से, पिछले 20 साल 25 साल में अगर ऑडिट की गई, तो ये घोटाले कहाँ तक जाएंगे, ये तो घोटाला करने वाला ही बता सकता है। लेकिन लोगों के टैक्स के पैसे हैं, इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। चाहे किसी की भी सरकार हो, उबाटा हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सबकी जांच होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर लोगों की नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ठेकेदार की नहीं।
अभी एक ठेकेदार का नाम आया है रोमिल छेड़ा, जिसको 17 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऐसे न जाने कितने रोमिल छेड़ा होंगे। ये तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, पुणे, यूपी, जहाँ जहाँ सब ये रेट पड़े हैं, ऐसे कई नाम होंगे, कई कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो हिसाब तो देना ही चाहिए। अगर पैसे आए हैं 117 करोड़ में से, अगर खाई 138 करोड़ में से सिर्फ 38 करोड़ खर्चा करके अगर 100 रुपये घोटाला अगर हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा स्कैम भाई ये। आजकल तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ एकदम आसान है। पहले लाखों में होते थे घोटाले, अब करोड़ों में, अब 100 करोड़ में होने लगे। इसकी सीमा तो कोई लिमिट ही नहीं है। आम आदमी परेशान है महंगाई से, आम आदमी परेशान है सिस्टम से, और ये घोटालेबाज, ये कॉन्ट्रैक्टर, आखिर इनको इतने बड़े अमाउंट की कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट मिल के जाती है। अब रोमिल छेड़ा का जो नाम आ रहा है, क्या 100 करोड़ उसने खाया होगा अकेले? आप बताइए व्यूअर्स, आपसे भी पूछ रहा हूं मैं, क्या 100 करोड़ उसने अकेला खाया होगा? चैन में कितने लोग होंगे? इस चैन की पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे वो सरकार तक हो, पार्टी तक हो, पार्टी के मुखिया तक हो, सबकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उनकी जो संपत्ति है वो लीलाव होनी चाहिए। लोगों के जो है, जो लोग पैसे जो है, जो लोगों के जो टैक्स के है, वो जो है लोगों के काम में आना चाहिए। काम तो हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन उसमें घोटाले कितने हो रहे हैं इसकी कोई जाँच नहीं कर रहा है। अब ये कोविड काल के घोटाला ये जो सामने आया है, किरीट सुमिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो लगातार लगे पड़े हैं इसके पीछे, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, सबको आने चाहिए सामने। लेकिन सवाल यह है कि जो घोटाले में शामिल रहेंगे वो थोड़ी जांच करने के सामने आएंगे। इसमें अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी न किसी कंडीशन में मिलता है, बिना कंडीशन पे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं। उसको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ करना है, इस तरह से बिल डालना है, इस तरह से बिल सबमिट करना है, बिल के पहले इतना पैसा मिलेगा, बिल के बाद इतना पैसा मिलेगा, सब कंडीशन होता है। इसी सिस्टम की जांच कौन करेगा आखिर में? ये आयकर के छापे हैं, ईडी ने तो छापा करके अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी होगी, सीबीआई भी इसमें कम पड़ेगी ऐसे घोटाले हुए तो। अगर पूरे देश की अगर जांच की जाए तो कितने कितने करोड़ घोटाले होंगे, करोड़ कम पड़ जाएंगे मेरे को लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोविड काल में घोटाले करना, लोग जो है सांस, अपनी सांस पाने के लिए, सांस लेने के लिए तरस रहे, तड़प रहे, तरस रहे कि ऑक्सीजन कोई लगा दे, ऑक्सीजन में जान बच जाए। ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग जान गई कोरोना काल में, तड़प तड़प के मरे लोग, और ये घोटाले कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट के लिए घोटाले। कितनी शेमफुल बात है, वेरी बैड, नहीं होना चाहिए ऐसा। घोटाले तो हर चीज में हो रहे हैं, लेकिन कोविड काल में घोटाला, दिस इज नॉट गुड। हिसाब तो देना ही पड़ेगा और हिसाब लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद।